नमस्कार दोस्तों, काफ़ी ब्लॉगर का कहना होता है कि हमारी वेबसाइट ब्लॉग में डुप्लीकेट कंटेंट का इश्यू आता है। हमारे वेबसाइट ब्लॉग के इंडेक्स में जो गूगल पेजेस रैंक करते हैं वहां पर आर्काइव और टैग जैसे कंटेंट बन जाते हैं, जिसके कारण गूगल डुप्लीकेट में यहां पर लेता है। तो इस वजह से आपकी रैंकिंग भी गिर जाती है और आपका जो SEO काफ़ी प्रभावित होता है इस वजह से। तो आपको यूस्ट प्लगइन आपको उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। दोस्तों क्या होते हैं कि बहुत से ब्लॉगर जब यूस्ट प्लगइन का यूज करते हैं तो वहाँ पर सेटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहाँ पर कुछ चेंजेस गलत कर देते हैं, तो वहाँ पर उस चेंजेस को हमको ठीक करना है। और इससे क्या है, इंडेक्स में जो टैग आ रहे हैं और आर्काइव पेज आ रहे हैं वो डिसेबल हो जाएंगे पूरी तरह से। इससे डुप्लीकेट कंटेंट का जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर हम कैनोनिकल भी टैग यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे जो गूगल प्रेफर करता है। कैनोनिकल टैग की वजह से URL काफ़ी एक सी लगती है उनको, तो हम उसको डिफाइन करेंगे कि एक पर्टिकुलर यही URL है और इस वेबसाइट का हम यहाँ पर इस कैनोनिकल को यूज कर रहे हैं। तो आज का वीडियो होगा डुप्लीकेट कंटेंट से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर पहले यूस्ट प्लगइन के जो सेटिंग है वहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर हमारी क्लाइंट की वेबसाइट है, तो यहाँ पर हम डुप्लीकेट कंटेंट का जो इश्यू आ रहा है, जैसे ही हम इस पर इंडेक्स पर देखते हैं इसका, तो जाते हैं इंडेक्स पे, तो यहाँ पर काफ़ी इस तरह के पेजेस आ रहे हैं जो आर्काइव हैं। तो देखिए ये पेजेस बने हुए हैं, तो ये पेज यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो पेजेस कुछ नहीं आते और टैग पर, तो इस तरह का डुप्लीकेट कंटेंट इशू आ जाता है। गूगल इसको डुप्लीकेट कंटेंट में लेकर साइट की रैंकिंग को काफ़ी प्रभावित करता है, ठीक है। तो इस तरह की एरर के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर जाते हैं यूस्ट प्लगइन में, ठीक है। यदि आप यूस्ट प्लगइन का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे हम। यहाँ पर आपको जाना है सर्च अपेरेंस में, सर्च अपेरेंस में आने के बाद आपको यहाँ पर जनरल चेक करना है, जनरल में आपने कोई गलती की है। ठीक है, आपको जनरल में नहीं, यहाँ पर जनरल में चेक करने के बाद आप टाइटल और लोगो डाल लें, उसके बाद आपको सिंपल सा कहीं ना, ठीक है। यहाँ पर हम चेंजेस करेंगे, ठीक है, इस वाले टैब के अंदर। अब देखिए यहाँ पर लिखा है सो कैटेगरी सर्च रिजल्ट, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है देखिए सो कैटेगरी सर्च सो, यहाँ पर टैग सर्च रिजल्ट और यहाँ पर फॉर्मेट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब आप वेबसाइट पर जाते हैं, मैं जैसे इस क्लाइंट की वेबसाइट को ओपन करता हूँ, अब यहाँ पर पर्टिकुलर कैटेगरी पर क्लिक करते हैं हम क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन हो जाए पेज, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे इस कैटेगरी पे ओपन करते हैं तो ये सर्च रिजल्ट में आ रहा है, तो सर्च इसको काउंट करेगा, फिर इसके कंटेंट आ रहे हैं तो इसको इस वे में लेगा, तो इस तरह गूगल की नज़र में ये डुप्लीकेट कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके आर्काइव पेज है तो वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी, वहाँ भी ये डुप्लीकेट कंटेंट मिलेगा। तो इन जो ये सर्च रिजल्ट में जो ये टैग आ रहे हैं तो इनको हमको रिमूव करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको डिसेबल करना होगा। अभी ऑन है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट रहते हैं, लेकिन आप इसको बंद कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो ये डुप्लीकेट कंटेंट का इशू आता रहेगा, इससे रैंकिंग आपकी काफ़ी प्रभावित होगी, ठीक है, वेबसाइट ब्लॉग। तो यहाँ पर ये अभी ये यहाँ पर ऐसे इसको करना है नो, ठीक है, और यहाँ पर आप टाइटल रखना चाह रहे हैं, सेपरेट रखना चाह रहे हैं, सेपरेटर सॉरी रखना चाह रहे हैं, पेजेस रखना चाहिए, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है, मैं इस पर सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा आपको। एंड यहाँ पर इसको रहने दीजिए डिफ़ॉल्टेड, इसको आप नो कर दीजिए। एंड नीचे आके आप यहाँ पर टैग आइए, यहाँ पर टैग को आप नो कर दीजिए, टैग भी आपके रिजल्ट शो रिजल्ट में करेंगे, तो यहाँ पर ये टैग है, अब इसका आपने टैग डाले होंगे तो यहाँ पर टैग रिसर्च करेंगे तो तीन टैग भी आपके आते, दो या तीन टैग अभी सर्च होती हैं, तो यहाँ पर टैग से भी यहाँ पर डुप्लीकेट कंटेंट का इशू आ जाता है, तो आप इसको भी आप बंद करें, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपने ऑफ कर दिया,
इसको भी आपने ऑफ कर दिया और नीचे आने के बाद फॉर्मेट को भी आपको यहाँ पर डिसेबल कर देना है। एंड यह कैटेगरी यूआरएल, तो जैसे कि हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे, बस इतना चेंजेस कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर इतना सेटिंग करने के बाद अब आपको कैनोनिकल आपको इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक वेबसाइट को ओपन किया है, basiccomputerhindi.com। अब देखिए URL यहाँ पर चार डिफाइन किए हमने, देखिए basiccomputerhindi.com https://basiccomputerhindi.com http://www.basiccomputerhindi.com एंड www.basiccomputerhindi.com। तो गूगल क्या है, गूगल ये समझता है कि अलग अलग वेबसाइट है, ये है एक ही वेबसाइट लेकिन अलग अलग, तो ये चीज़ बताने के लिए हम कैनोनिकल टैग लगाते हैं। तो अगर ये चीज़ आप टैग नहीं इंस्टॉल करेंगे अपनी वेबसाइट ब्लॉक में तो यहाँ पर भी डुप्लीकेट का इशू आ जाता है। तो यहाँ पर एस्टम हमने सेटिंग की, इसी तरह आपको यहाँ भी सेटिंग करना है। तो यहाँ पर कैनोनिकल जनरेट कर लेना सिंपल सा, यहाँ पर मिल जाए आपको टूल फ्री कैनोनिकल कल जनरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ले लेंगे, मैं आपको सॉरी यहाँ पर कोड सीओ नाम की वेबसाइट है, आप यहाँ से कैनोनिकल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर यूआरएल डालना है जो आपकी वेबसाइट का है, होम पेज का, ठीक है। होम पेज का आप कैनोनिकल बना रहे, तो यहाँ पर क्लिक करना है एंड एंटर। तो ये सॉरी यहाँ पर है जो हम इस पर काम कर रहे थे, हिंदी अल्फाबेट डॉट इन, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आप पूरा का पूरा कॉपी करें, ठीक है, और फिर सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये आपका यूआरएल आपको प्रोवाइड कर, अब इसको हेड सेक्शन में आपको रखना है अपनी वेबसाइट। तो दोस्तों आपको कैसे रखना है मैं आपको बता देता हूँ, इसको कॉपी करना है सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेना, एंड आपको जाना है यहाँ पर अपीयरेंस में थीम एडिटर, थीम एडिटर में यहाँ पर हेडर सेक्शन है, हेडर सेक्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर हेडर के यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। तो आप यहाँ से इस तरह कैनोनिकल को इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट ब्लॉक में। अब दोस्तों इस टैग से ये होगा कि गूगल ये समझेगा कि पर्टिकुलर आपका ये की यूआरएल है, बाकी सब नहीं है। तो यदि आप नहीं डालेंगे तो ये चारों को एक साथ लेकर चलेगा। तो इस तरह की एरर, इस तरह की इस वजह से आपकी वेबसाइट ब्लॉक को डुप्लीकेट कंटेंट गूगल समझेगा, ठीक है। तो आप इस तरह की यहाँ पर कैनोनिकल टैग को इंस्टॉल कर लें वेबसाइट के अंदर और यूज्ड प्लगइन की कुछ सेटिंग कर लें, ठीक है। तो इस तरह की डुप्लीकेट कंटेंट से आप काफ़ी बच जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।